अब भारत ने एमका प्रोजेक्ट का एक सीक्रेट रिवील कर दिया है। पूरे दुनिया में अभी तक का सबसे एडवांस फाइटर जेट माना जाता है F-35 और F-22 को, जो अमेरिका के पास है, फिफ्थ जनरेशन की फाइटर जेट है। लेकिन आप जानकर चौंक जाओगे, भारत का एमका प्रोजेक्ट 5.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट पर काम कर रहा है, जो कि फिफ्थ जनरेशन के अमेरिकन फाइटर जेट को भी बीट कर देगा। पूरी बात क्या है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। दरअसल हाल ही में कुछ भारतीय रिपोर्ट्स का मानना है कि हमारा जो एमका प्रोग्राम है, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, इसे स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से तो लैस किया जाएगा ही, लेकिन इसको 5.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट बनाया जाएगा। इसके नीचे एक लेजर बीम जैसी डाली जाएगी। अगर मिसाइल इसके पास खत्म भी हो जाती है तो ये अपनी लेजर बीम का यूज करके दुश्मनों के फाइटर जेट्स, यूएवी, ड्रोन्स को वहीं पर ध्वस्त कर सकता है। इसमें तीन तरह की टेक्नोलॉजी अब भारत डालने जा रहा है। सबसे पहला है स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, कोई रडार इसको पकड़ ही नहीं पाएगा। दूसरा है काफी एडवांस एवियोनिक्स, हाई टेक ऑनबोर्ड सिस्टम, मिशन इफेक्टिवनेस के साथ ये एवियोनिक्स सिस्टम होगा। और थर्ड है हमारा नेक्स्ट जनरेशन वेपनरी बे, यहाँ पर एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड, चाहे कोई भी मिसाइल हो यहाँ पर छुपाई जा सकती है। और साथ ही में एक सीक्रेट लेजर वेपन भी डाला जाएगा। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये खुद यहाँ पर ADA के डायरेक्टर डॉक्टर गिरीश जी ने अपने एक बयान में कहा है कि एमका एक 5.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट, जो कि बेस्ट एस्पेक्ट्स का कॉम्बिनेशन होगा ऑफ 5 एंड 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी। और सबसे बड़ी बात, इसे पूरी तरह से स्क्रैच से भारत में ही डेवलप किया जा रहा है भारतीय साइंटिस्ट और भारतीय इंजीनियर्स की टीम द्वारा। कटिंग एज डिजाइन, एम्बिशियस टाइमलाइन, पोटेंशियल इनकॉर्पोरेशन ऑफ 6th जनरेशन टेक्नोलॉजी, ये पूरी तरह से एक गेम चेंजर साबित हो सकता है पूरे भारत के इतिहास में। अभी हाल ही में टर्की ने भी जो 5th जनरेशन का बोल के एयरक्राफ्ट रिवील किया है, वो भी एक प्रॉपर 5th जनरेशन का नहीं है, इसको रडार फिर भी पकड़ सकते हैं। लेकिन भारत ने ये जो अब बनाने जा रहा है एमका प्रोजेक्ट के अंतर्गत, ये तो 5.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट है लेजर वेपन टेक्नोलॉजी से लैस। और हमारे वैज्ञानिकों के ये नए आविष्कार के लिए तो प्लीज एक लाइक तो कर ही दीजिए, और साथ में कमेंट्स में आप जय हिंद लिखना ना भूलिए।